अभी बहुत ज़्यादा बर्स क्रिएट करी है बॉलीवुड में, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी टॉपिक सामने आई है शादी को लेकर। सलमान की शादी तो जब सब जानते हैं कि काफ़ी साल से, आज नहीं बल्कि लगता है कि 20 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है सलमान की शादी को लेकर खबरें अफवाहें उड़ती हुई। अभी फ़िलहाल के लिए किसकी शादी को लेकर चर्चा हो रही है? अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट खबर आई है वो आई है अर्जुन कपूर की, कि वो शादी करने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी दादी ने उन्हें धमकी दी है कि वो शादी करने वाले हैं। चलो फिर दर्शकों को बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाय हेलो एंड स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड बक बक में, जिसमें मैं आपकी होस्ट तृप्ति और मेरे साथ मौजूद है आज अर्जुन की शादी को लेकर कुछ स्पाइसी गॉसिप्स के साथ आप सभी की होस्ट श्रुति। तो श्रुति, तुम बोल रही हो कि अभी बी टाउन में सबसे ज्यादा हॉट गॉसिप है अर्जुन की शादी, जिसका खुलासा खुद अर्जुन ने किया है। आखिर क्यों उसकी शादी, उनकी शादी को लेकर तमाम खबरें आ रही। तो तुम्हें लगता है कि उनकी जो दादी ने धमकी दी है शादी को लेकर, क्या लगता है तुम्हें कि जो धमकी दी है उस धमकी को एक्सेप्ट करेंगे वो और शादी कर लेंगे? देखियो, अर्जुन ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि वो शादी करेंगे, लेकिन जब उनकी बहन, तीनों बहन अंशुला, जानवी, रिया और खुशी की शादी हो जाती है तब। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि अर्जुन अभी खुशी, जानवी और अंशुला के बाद रिया की शादी के बाद। श्रुति सही बात है, रिया की शादी हो मैं मान लूँ, अंशुला की शादी भी मान सकती हूँ। यार वो सोचो, 17 साल की अभी खुशी है, उनकी शादी के बाद अगर अर्जुन शादी करेंगे, अभी वो 31 के हो चुके हैं, अब वो 17 साल की अपनी बहन की शादी कराना चाहते हैं। मतलब उनका कहना क्या है, शादी नहीं करनी है तो कह देना चाहिए ऐसे। अगर हम देखें कि अगर खुशी की शादी के बाद वो शादी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं 10 साल बाद, मतलब 43 की उम्र में शादी करने का सोच रहे हैं। तो ऐसे में लगते हैं कि अर्जुन सलमान से कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर्ड हैं। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है, अब जो पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में जो सबसे बड़े सवाल का मुद्दा है इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, कि सलमान की शादी कब होगी, आप खुद को भी वो सलमान के नक्शे कदम ले जाकर इसे भी सवाल बनाना चाहते हैं कि कब होगी अर्जुन कपूर की शादी। हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे कि अर्जुन ने कहा कि जानवी, खुशी, रिया और उसके बाद अंशुला की शादी के बाद ही वो शादी करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो सलमान के नक्शे कदम पे ही बॉलीवुड में चलना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन दर्शकों को ऐसा नहीं लग रहा है श्रुति, मैं बता दूं, क्योंकि अर्जुन कपूर है ना, इससे पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं। सलमान के नक्शे कदम चलना तो चलो अलग बात है, तुम्हें ये लग सकता है, लेकिन तुम्हें याद दिला दूं, अर्जुन कपूर की दुल्हन आ सकती है, क्योंकि जो उनकी जो पहली गर्लफ्रेंड थी, उनके बाद जो जिनके लिए उन्होंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड को छोड़ा, मतलब कि अर्पिता खान को छोड़ा, वो अब भी शायद कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर के लिए वेट कर रही है। वल तुम समझ रही होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप बात कर रही हैं मलाइका अरोड़ा की, जिनसे कि अर्जुन का नाम हमेशा ही जोड़ा जाता है, जिनके साथ अर्जुन को हमेशा ही स्पॉट किया जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे उन दोनों का कोई मतलब ही नहीं है साथ रहने का। मतलब ही नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता श्रुति, क्योंकि मतलब हर चीज का कुछ होता है, तस्वीरें भी यूं ही नहीं कुछ बोलती है, कहते हैं ना तस्वीरें काफी कुछ बताती है। तस्वीर की जब तुम बात कर रही हो तो तुमने भी बताया था मुझे काफी टाइम पहले, और हम बात भी करते थे कि आखिर यार ये मलाइका के साथ क्या है अर्जुन का कनेक्शन, वो भी हाथों में हाथ डालकर घूमना, और ये तक खबर आ गई थी कि वो देर रात स्पॉट किए गए थे एक दूसरे के साथ, करीना कपूर के घर में एक दूसरे के साथ स्पॉट किए गए थे वो दोनों, और उसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट जो कि मलाइका का शो है उसमें वो दोनों एक साथ स्पॉट किए गए थे। दोनों ने एक दूसरे को जो है काफी ज्यादा सपोर्ट भी करते हुए दिखे थे वो वहां पे। बिल्कुल सही कह रही हो श्रुति, सच में यार श्रुति मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मलाइका और अर्जुन की शादी को लेकर जो कयास बीते साल लगाए गए थे अरबाज संग मलाइका के तलाक के बाद, तो ऐसे में तलाक को अब एक साल हो चुका है, अरबाज भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मलाइका के साथ अब उनका दोबारा रिलेशन नहीं जुड़ सकता है। अर्जुन कपूर की शादी को लेकर उनका दादी का धमकी देना, कहीं ना कहीं जल्दबाजी घर पर हो रही है। बोनी कपूर जो अभी काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए हैं अपनी दूसरी वाइफ को खोने के बाद, मतलब बॉलीवुड की एक्ट्रेस को खोने के बाद, जिनका नाम श्रीदेवी, चलो तो उनके होने के बाद कहीं ना कहीं कपूर फैमिली इंतजार कर रहा है कि अब बोनी कपूर के घर पर एक और नई दुल्हन आ जाए, फिर चाहे वो उनकी बहू क्यों ना हो। ऐसे में तुम्हारा क्या मतलब हो सकता है अर्जुन कपूर को लेकर, किसके साथ वो शादी करेंगे, क्या वाकई में मलाइका के साथ शादी करेंगे? लेकिन अगर देखा जाए तो बोनी कपूर ने अर्जुन कपूर को बहुत समय पहले मलाइका से दूर रहने की हिदायत दी थी,
कि तुम मलाइका से दूर रहो, ऐसी खबरें भी वायरल हुई थी। सच कह रही हो तुम, काफ़ी ज़्यादा खबरें वायरल हुई थी कि मलाइका और सलमान जो है एक दूसरे के साथ अब भले नज़र ना आते हों अरबाज संग मलाइका के तलाक के बाद से। ऐसे में अर्जुन कपूर और मलाइका का रिलेशन सामने आना सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। भाई कोई भी नहीं चाहेगा इस तरह से कि अपने भाई की वाइफ को अब अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ, मतलब बोनी कपूर के बेटे हैं अर्जुन कपूर, ऐसे में बोनी कपूर कहीं ना कहीं सलमान के अच्छे दोस्त कहलाते हैं, ऐसे में उनके बेटे के साथ उनकी एक भाभी का रिलेशन जुड़ना कोई भी नहीं चाहेगा। तो आपको जैसे श्रुति ने बताया दर्शकों कि मलाइका और अर्जुन की शादी नहीं होगी क्योंकि सलमान खान को फॉलो इन दिनों कर रहे हैं अर्जुन कपूर। और सलमान से याद आया एक चीज़ और, यार सलमान को वो फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन पता है सलमान अब भी उनसे नाराज़ हैं। हाँ, ये चीज़ हमने उनके सोनम कपूर की वेडिंग में भी देखा था कि जहाँ अर्जुन कपूर सलमान से बात करने की कोशिश किए वहीं सलमान ने अर्जुन कपूर को पूरी तरीके से इग्नोर किया था। और इग्नोर किया है, इसके पीछे एक और सवाल खड़ा होता है। अब भाई इग्नोर, अब मलाइका के साथ अर्जुन का रिलेशन नहीं है तो इग्नोर क्यों कर रहे हैं, बोनी के साथ उनके अच्छे रिलेशन हैं। और इसी में अर्जुन कपूर ने ये भी कहा था जब अर्पिता खान से उनका ब्रेकअप हुआ था तो अर्जुन कपूर ने कहा था कि मेरे और सलमान के रिलेशन आज भी उतने ही अच्छे हैं जितने पहले हुआ करते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सलमान का उनको इग्नोर करना ये बात तो जाहिर करता है कि वो अर्पिता खान के वजह से नाराज नहीं है, वो किसी और के वजह से नाराज हैं। और ये भी जानते हैं सब कि अरबाज की तो गर्लफ्रेंड्स को लेकर काफी खबरें आई लेकिन मलाइका अब भी सिंगल है और उनकी लाइफ में कोई भी दूसरा बंदा नहीं आया है, मतलब कहीं ना कहीं वो अर्जुन के साथ अपने रिलेशन को दूसरा मौका देना चाहती है। बिल्कुल। और जहाँ तक मलाइका का सवाल है तो मलाइका ने तो ये कहा था कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि जब मलाइका और अर्जुन किसी भी मूवी में एक साथ काम नहीं किए, कहीं भी रैंप वॉक पे नहीं आए, तो वो कैसे जो है एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए। श्रुति तुम्हारा कहना सही है और यही सवाल है कि सिर्फ मेरे जहन में नहीं चल रहा, तुम्हारे जहन में नहीं चल रहा, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जहन में चल रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अर्जुन कपूर शादी करेंगे, इसमें तो तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अर्जुन शादी करेंगे। और भाई बॉलीवुड की दुनिया है, तुम भी जानती हो यहाँ कब किसका रिश्ता किससे जुड़ जाए, कब कौन सा रिश्ता जुड़ जाए कहना मुश्किल है। जिस तरह अचानक किसी के तलाक की खबर आती है, कब किसकी दूसरी या तीसरी शादी हो जाए कुछ पता नहीं चलता। और रही बात उम्र की, डाइवोर्स होने की, तो यहाँ बॉलीवुड में कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा एग्जांपल अभी देखो ना, देसी गर्ल प्रियंका 10 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है, वो भी इंटरनेशनल पॉप स्टार है, वो निक जोनास को डेट कर रही। ऐसे में अर्जुन कपूर शायद ही सोचेंगे ये कि चलो मलाइका 44 साल 45 साल की है तो उनके साथ हम रिलेशन नहीं रख सकती हूँ, चलो ये चीज़ तो अर्जुन कपूर नहीं सोचेंगे। और इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड है कपूर फैमिली में, ऐसे में अर्जुन कपूर की खुशियों के बारे में तो ज़रूर सोचेंगे। लेकिन मुझे लगता है ना, ये जो पब्लिक अपीयरेंस है ना, पब्लिक फिगर मेंटेन करने की जो होड़ होती है और इस स्टारडम को मेंटेन करने की, इसकी वजह से कहीं ना कहीं डरते तो है, तुम्हें क्या लगता है। बिल्कुल, जितना हम फ्रीक्वेंटली अर्जुन कपूर और मलाइका कपूर को एक साथ स्पॉट किया करते थे, अब वो दोनों उतना स्पॉट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना अपने रिलेशन को नाम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से सोच रहे हैं कि अब यार रिलेशन को तो नाम नहीं दे सकते हैं तो फिर क्यों पब्लिकली एक दूसरे के साथ, इतना ही नहीं अपनी फैमिली को भी एम्बैरेस करना। खान परिवार की बात हो रही है, कपूर परिवार की, भले अब खान परिवार का हिस्सा मलाइका ना हो। ऐसे में अब देखो अरबाज और मलाइका का तलाक हो चुका है, अरबाज अपनी किसी नई गर्लफ्रेंड के साथ है, ऐसी रूमर्ड गर्लफ्रेंड को लेकर खबर आ रही। मलाइका सिंगल है, अर्जुन की दादी माँ चाहती है शादी हो जाए अर्जुन की, कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन दोबारा जुड़ सकता है। मतलब एक और बात, अगर इनकी शादी होती है तो यहाँ पर खान परिवार के दुश्मन बन जाएंगे अर्जुन कपूर। तो तुम्हें क्या लगता है सलमान खान का क्या रिएक्शन होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे कि सलमान खान अभी बोनी कपूर के साथ, ऐसा र्यूमर आ रहा है कि नो एंट्री में एक बार फिर से सीक्वल में, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन दोनों परिवारों के बीच का जो रिलेशन है वो खराब होगा अर्जुन कपूर, क्योंकि मलाइका अभी भी खान परिवार के लिए एक सॉफ्ट
पार्ट हैं वो सलमान खान भी उनसे काफ़ी नाराज थे जब अरबाज खान से उनका डिवोर्स हुआ था, ऐसी भी खबरें आई थी. तो ऐसे में कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर एक बार फिर से खान परिवार से शायद हो सकता है पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, पंगे लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, मुझे ये लग भी रहा है. और जिस तरह उन्होंने एक बार जो मैगजीन में पब्लिश की गई थी खबर कि वो मलाइका की चाम को देखने के बाद इतने ज़्यादा कायल हो गए थे मलाइका के कि वो अर्पिता से ब्रेकअप. भाई तुम सोचो, अगर अर्पिता से ब्रेकअप का फैसला ले सकते, इतना बड़ा कदम, इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं अर्जुन, तो मलाइका के साथ शादी नहीं कर सकते? वो जो सलमान की सबसे लाडली बहन है अर्पिता, उसे छोड़ सकते हैं अर्जुन कपूर, तो मलाइका के साथ शादी क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अर्जुन कपूर जहाँ अभी तक जो है ऐसा करते हुए आए हैं, वैसे ही हो सकता है वो मलाइका से भी शादी करने का एक बड़ा फैसला ले सकते हैं. और वरना फिर वही होगा जिस तरह सलमान के को फॉलो कर रहे हैं वो, तो अब अर्जुन कपूर, खुशी कपूर, जानवी कपूर, अंशुला कपूर, इनकी शादी के बाद अर्जुन के सहरे को देखना होगा उनके सिर पर. मतलब इसमें काफी टाइम लगने वाला है. देखते हैं अब अर्जुन की लाइफ में वाकई में कोई नई लीड आती है, कोई नई दुल्हन आती है, कोई नई गर्लफ्रेंड आती है, या फिर मलाइका जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कहलाती रही थी रूमर रिलेशन की वजह से, वही उनकी हमसफर बनती है. ये सब देखना होगा आने वाले दिनों में, जिसके लिए हमें फिर लौटना होगा आप सभी के बीच हमारे इसी प्रोग्राम बॉलीवुड बकबक को लेकर. तब तक के लिए वक्त आ गया है इस प्रोग्राम का यहीं दी एंड करने का. तो मुझे श्रुति को अब यहीं पर दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करना भी. बिल्कुल, और कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और क्या होगा आपका वो सोच. प्लीज जरूर से जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं अर्जुन की शादी को लेकर, मलाइका अर्जुन की रिलेशन को लेकर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें.